टू फैमिली टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और सबसे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और उसमें लाइक कर दे, कमेंट कर दे। और आज पता है हमारे घर में बहुत सारा काम लगा हुआ है अभी बहुत, क्योंकि आज हमारे घर में कोई फंक्शन है। तो हम ना वो अब रियली स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने पता है कुछ नहीं किया क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पर, कोई और है नहीं है करने वाला। तो इस वजह से मैं अभी अकेले से रील बना रही हूँ। जितनी चीज़ें बना पाऊँगी वैसी आपको दिखाऊँगी, लेकिन देखना ज़रूर। जहाँ तक कोशिश करूँगी तो अच्छी बनाने की करूँगी कि अच्छी से अच्छी बने। और देखो मेरा घर अभी कैसा डला हुआ है, अभी दिखाएंगे आपको। हेलो फ्रेंड, ऐसा डला हुआ है मेरे घर में अभी, मुझे बहुत काम करना है। देखो कपड़े इतने डले हुए हैं धुलने के लिए, बर्तन वगैरह। और देखो मैंने थोड़ी सी सफाई की अभी घर की, क्योंकि थोड़ा सा घर गंदा हो रहा था इस वजह से। और देखो कितना अंधेरा है मेरे घर में, दे रहा है दिखाई वो तो। ये हमारी अलमारी है कपड़ा रखने की, क्योंकि मेरे पास वैसी अलमारी है नहीं है भाई, लेकिन जैसे भी हम सही हैं। ये दूसरा वाला कमरा है, देखो कितना अंधेरा रहता है सामने सामने से, मतलब थोड़ा सा उजाला रहता है। ये हमारे बर्तन लगे हुए हैं मंच के, इधर अलमारी में डिब्बे लगते हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि अंधेरा है। हमारी पूजा की अलमारी है, देखो कितना अंधेरा है मेरे घर में, बहुत अंधेरा रहता है दोस्तों। तो अभी हम ना सब कुछ करते आएंगे, दिखाते जाएंगे ठीक है आपको, लेकिन मेरी वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट पे वीडियो में कुछ खास होने वाला है इसमें आज। आ गए हम, अभी तक कुछ बना के खा भी नहीं पाए। और देखो ये अब पता सुबह से लगे लगे देख रही सकल हमारी पागल की तरह हम हो गए हैं, इतना काम किया हमने सुबह से। अब ये बट रहे हैं हमें गर्म मसाला, अब फिर देखो इतने ये रखे हैं बटने को, इतने ये रखे हैं बटने को, और ये जो पूरा डिब्बा रखा है बटने को, अभी और दिखाएंगे, देखते जाओ बस वीडियो में बने रहो बाकायदा। एक मक्का, एक बर्तन मारने का चूना, एक टप, 100 रुपए में, 100 रुपए में 4 आइटम, 1 किलो सरप, 1 मक्का, 1 बर्तन मारने का चूना, 1 टप, 100 रुपए में, 100 रुपए में 4 आइटम। वो फ्रेंड मुझे पूरा दिन हो गया आज लगे लगे। देखो ये पनीरी की सब्जी, देखो ये पनीरी की सब्जी है, देखो कितनी मस्त बनी है, खा के तो नहीं देखी मैंने अभी, शाम के 7 बज चुके हैं। और ये देखो चावल कितने मस्त बने हुए हैं, देखो शादी में चावल बनते हैं वो वाले चावल हैं। नमक है, ठीक है। और ये देखो ये छोले की सब्जी, देखो दिखाई दे रही है आपको कलर, देखो इसका कितना हैवी कलर बना हुआ है। ये है पूड़ी, और ये देखो थाली में मैंने सजा के रख दी थी अपने ससुर के लिए, पर वो पता है हमसे गुस्सा रहते हैं इसलिए खाते नहीं हमारे घर पर रोटी। अब पहले 10 साल मेरे घर पे खाई, सब कुछ किया हमने, लेकिन वो पता है कहते नहीं है कोई इंसान अच्छा करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, बुरा ही सब सोचते हैं। तुम जानता, अब मैं फ्रेंड तैयार हो जाऊँ उसके बाद अपनी शक्ल दिखाऊँगी, क्योंकि मैं भूत जैसी हो गई हूँ सुबह से काम करते करते, शाम के 7 बज गए हैं सुबह से करते करते। आज सफाई की घर की, सब सफाई करने के बाद फिर खाना वाना बनाया, इतनी टाइम लग गया क्योंकि पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, चावल पूरी बनाने में अकेली बनाई मैंने। और वीडियो देखते जाओ, और अब तो मैं बहुत खास दिखाने वाली हूँ कुछ।
हमारे पति शराब पियाड़ू हैं, शराब पी के आए हैं, तो देखो केक का कितना अच्छा डिजाइन बना दिया। ऐसा डिजाइन केक का कभी देखा नहीं होगा। न्यू डिजाइन केक की देखो। देखो फ्रेंड, आज हमारे घर में जन्मदिन था, पर ये नहीं बताया किसका जन्मदिन था, क्योंकि हमें कोई गिफ्ट लेके नहीं आया, इसलिए हम बता नहीं रहे किसी को। मन गया हमारा जन्मदिन, तैयार हो गए हम, केक भी कटवा दिया। और जब पता है, जब आप लोग सब सपोर्ट करोगे ना, जब बुलाने लायक हो जाऊंगी, जब ही बुलाऊंगी सब लोगों को। अभी तो नहीं बुला पाऊंगी, क्यों कि अभी मैं हूँ नहीं तुम्हें बुलाने लायक तुम लोगों को, इस वजह से अभी नहीं बुलाया मैंने, तो उसके लिए सॉरी, बाय।